everyone so we are solving previous year questions of the chapter principles of inheritance and variation and the topic inheritance of one gene in today's session, we are going to solve a question which is asked in the cbse board in different years in different forms. so the first type is it was asked in the form of a very short answer type question for one mark and the question was name the type of cross that would help to find the genotype of a pea plant bearing violet flowers and it was asked in the cbse board all india examination 2019. next type was a short answer type question for two marks and the question was when does a geneticist need to carry a test cross, how is it carried? And it was asked in the CBSC board for an examination 2015. And next type is a short answer type question for 3 marks and the question is a teacher wants his or her students to find the genotype of pea plants bearing purple coloured flowers in their school garden. Name and explain the cross that will make it possible. And it was asked in the CBSC board daily examination 2015. And the last type is short answer type question for 3 marks and the question is what is a test cross how can it decipher the heterozygosity of a plant and it was asked in the CBSE board all India examination 2016 तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये पूछा है कि एक गार्डन में पी प्लांट्स हैं जिनका कलर है वॉयलेट और हमें पता है पी प्लांट्स में जो वॉयलेट कलर है वो एक डोमिनेंट रेट है तो उसका हमें जीनो बताना है तो उसका जीनो बताने के लिए हम कौन सा क्रॉस यूज करेंगे वो क्रॉस कैसे करते हैं और वो क्रॉस कैसे बता सकता है कि कोई प्लांट हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है क्लियर सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा पहली बात तो अगर हमें किसी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता लगाना है तो उसके लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस में बेटा हम डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करा देते हैं उसकी होमोजाइगस रेसिस पेरेंट से क्लियर सो अ टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द ऑफ स्प्रिंग विद द डोमिनेंट फिनोटाइप विद द होमोजाइगस रेसिस्व पेरेंट अगर हम फर्स्ट टाइप वाले का आंसर करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप फॉर वन मार्क तो उसका आंसर यही खत्म हो जाएगा टेस्ट क्रॉस पे क्लियर फिर बाकी पार्ट में हमसे पूछा था एक जेनेटिसिस्ट को कब कैरी करना होता है टेस्ट क्रॉस तो बेटा एक जेनेटिसिस्ट टेस्ट क्रॉस तब करवाएगा जब उसे एक डोमिनेंट फीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता करना हो सो so, इसका आंसर हो जाएगा अ जेनेटिसिस्ट नीड्स टू कैरी अ टेस्ट क्रॉस वेन ही नीड्स टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप क्लियर देन बाकी केसेज में हमसे पूछा था कि टेस्ट क्रॉस

से देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें वॉलेट फ्लास्क का जीनोटाइप बताना था गार्डन पी में तो हमने उसी का एग्जाम्पल लिया है तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, जो है वो कंडीशन की वजह से भी हो सकता है और हेड्रोजाइगस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है तो हम दोनों क्रॉस बना के देखेंगे कंडीशन वन में जब हम होमोजागस कंडीशन लेंगे तो उसके गेमीट्स हो जाएंगे कैपिटल वी कैपिटल वी और पेरेंट होमोजाइगसिव पेरेंट्स हो जाएंगे स्मॉल वी स्मॉल वी तो जब इनके गेमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो सारे जीनोटाइप बेटा बनेंगे कैपिटल वी स्मॉल वी क्लियर और इन सब के ही फिनोटाइप होंगे वॉयलेट क्लियर तो अगर हम इस क्रॉस के फिनोटाइप की बात करें तो ऑल वॉयलेट और जीनोटाइप की बात करें तो

बनेगा v, v. V, v कैपिटल तो v, v. V, 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 v जो कैपिटल वी स्मोलोप होंगे वो होंगे वॉयलेट और जो स्मॉल वी स्मॉल फिनोटाइप होंगे वो होंगे व्हाइट तो अगर हम फिनो की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के फिनो आए वॉयलेट एंड व्हाइट इन द रेशियो ऑफ वन इज टू वन और अगर हम जीनो की बात करें तो जीनो भी हमारे पास दो टाइप के आए कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल वी स्मॉल वी, वी इन द रेशन टू वन क्लियर तो बेटा इस क्रॉस से भी हमें क्लियर हो गया कि अगर टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में आधे डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे और आधे रेसिसीनोटाइप वाले तो जो हमारा स्पेसिमेंट डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो जीनो होगा वो हाइट्रोजाइगस होगा क्लियर सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू